अनुपमा सीरियल की कहानी में फाइनली पाखी को कपाड़िया हाउस छोड़कर अपने घर ही जाना पड़ गया है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि कैसे पाखी कपाड़िया हाउस में हमेशा आने के लिए बात करती है, अनुपमा से दिखती है। ऐसे में अभी सीरियल की कहानी में कौन सा नया मोड आने वाला है उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगा कि कैसे वनराज कपाड़िया हाउस में पाखी को ले जाने आता है, जहां वो हंगामा करता दिखता है। और अभी सीरियल की कहानी में अनुपमा और वनराज के समझाने के बाद पाखी सा हाउस में जाने का फैसला लेती दिखने वाली है। लेकिन आपने सीरियल की कहानी में देखा ही होगा कि कैसे अधिक और बरखा ने पूरी तरीके से पाखी का ब्रेन वॉश कर दिया है और अब पाखी अधिक से अपने शादी के सपने देखती नजर आ रही है। वहीं उन्होंने पाखी को अनुपमा के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया है और इन सबको देखकर अब पाखी कपाड़िया हाउस में आने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप सीरियल की कहानी में देखने वाले हैं कि अब पाखी अधिक से शादी करने की बात करती दिखने वाली है, यानी सीरियल की कहानी आगे चलकर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नजर आने वाली है। आप सभी जानते ही हैं कि कैसे अधिक अनुज के बिजनेस को हथियाने के लिए पाखी को मोहरा बना रहा है। अब अनुपमा इन सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको अनुपमा के सारे बच्चों में से किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।